When we talk about investment, we are talking about creating an alternative source of income for our family and for ourselves. और जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो अलॉन्ग विद शेयर मार्केट, आपका म्यूचुअल फंड, गोल्ड, उसके साथ साथ जो पसंदीदा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का वो है आपका रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आरओआई क्रिएट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, जहाँ पर आपका आरओआई 5-6% से लेकर गोज अप टू 8-9%। और इसमें भी आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कमर्शियल के अंदर। एक ऑप्शन होता है यू गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि M3M हो गया, एलान हो गया, जो भी इस तरह के डेवलपर्स हैं जो आपको ओरिजिनल बुकिंग में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको फ्लैटली 10-12% के बीच में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, जिसको कहीं ना कहीं आप एश्योर्ड रेंटल भी कहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, ऑल्दो रेरा आने से वो रिस्क आपका मिटिगेट हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो रिस्क है वो इन्वॉल्व रहता ही रहता है। जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है वो है आपका प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट। प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। जब भी आपका हाई बजट का कोई भी क्लाइंटल होता है तो दे ऑलवेज गो फॉर प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़। उसमें होता क्या है कि एक तो आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी में टेनेंट कौन है, दूसरा आपकी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, और जो चीज़ आपको मिली है आप एग्जैक्टली जाके उसमें देख सकते हो, और दूसरा उसमें आपको इनकम टैक्स वगैरह में भी फ़ायदे होते हैं, जो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू मेक योर रिक्वेस्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट के इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस आपसे मिस ना हो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको 2-3 तरह की मेन इन्वेस्टमेंट्स मिलती है। वो इस तरह से है कि एक तो आप रिटेल में जाते हो, जिसमें कि आपका रिटेल ब्रांड्स होता है और बैंक होता है, ये भी बड़ा ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है उनके लिए जिनको आरओआई से ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन उनको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन और जो ब्रांड है उसमें बैठा हुआ वो लंबे समय तक वहाँ बैठा रहे उससे मतलब होता है, उनके लिए इस तरह की प्रॉपर्टी अच्छी होती है। अगर आप बैंक्स में जाते हो या रिटेल ब्रांड्स में जाते हो तो जो आपकी आरओआई होती है वो नॉर्मली 4% से लेकर 6% के बीच में वेरी करती है। तो ऑब्वियसली पीपल हु आर लुकिंग फॉर हायर आरओआई वो रिटेल में नहीं जाते, दे गो फॉर ऑफिस स्पेसेस। ऑफिस स्पेसेस की जब हम बात करते हैं तो ऑफिस स्पेसेस में जो आपकी आरओआई है वो आपकी डिपेंड करती है टेनेंट के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, और क्या कंडीशंस पे लीज़ हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में 3 साल का लॉक इन होता है, किसी में 4 साल का, कईयों में 5 साल का लॉक इन भी होता है, तो आपका रेंटल उसी हिसाब से डिसाइड होता है और उसी हिसाब से आपकी आरओआई डिसाइड होती है। नॉर्मली जो आपकी ऑफिस स्पेस में आरओआई होती है वो आपकी 6% से लेकर 8-8.5% तक चली जाती है। तीसरी इन्वेस्टमेंट आती है आपकी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग आपकी HNI क्लाइंट्स होते हैं या कोई कंपनीज होती है जिनको अपना फंड डालना होता है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और नॉर्मली आपकी जो बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जाती है वो 25 करोड़ से लेकर 100-150 करोड़ के बीच में जाती है, और ऑब्वियसली उसमें जो आरओआई होती है आपकी वो 9-10% तक चली जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जैसे रेंटेड SCOs हो गए, आपके रनिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये भी इस तरह की कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं प्री रेंटेड के अंदर। तो प्री रेंटेड के अंदर हमारे पास रिटेल में भी ऑप्शंस हैं, आपके बैंक्स में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑफिस स्पेस में तो हमारे पास गोल्फ कोर्स रोड पे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, सोहना रोड पे, MG रोड पे, हर तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जहां पर बहुत ही अच्छे टेनेंट है, MNCs है, INCs हैं, जिसमें आपको 3 साल से लेकर 5 साल का लॉक इन मिलता है, वेरीफाइड टेनेंट्स रहते हैं, ए ग्रेड बिल्डिंग्स है, ए ग्रेड आपकी फर्निशिंग है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स देख रहे हो तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास है, हम आपको सेक्टर 44 के अंदर दे सकते हैं, हम आपको उद्योग विहार के अंदर दे सकते हैं। और रेंटेड SCOs की अगर बात करें तो 1-2 ऑप्शंस हमारे पास रेंटेड SCO के अंदर भी है, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। आजकल हो क्या रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में भी LOI उठा के आपको बोला जाता है कि ये प्री रेंटेड प्रॉपर्टी है, इसमें आपको इतना रेंटल मिलेगा। लेकिन देखिए,
LOI में होता क्या है कि LOI एक बहुत ही इनिशियल लेवल का, इनिशियल स्टेज का आपका लीज़ होती है। LOI का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट, जब भी कोई टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो करता है। लेकिन क्या LOI आपका एग्रीमेंट है, लीज़ एग्रीमेंट है? क्या टेनेंट को LOI साइन करने के बाद आपका लीज़ एग्रीमेंट ऑनर करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पर टेनेंट ने LOI साइन की और 2 से 3 महीने के बाद वो बैकआउट हो जाता है। तो LOI में ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है प्राइस का और ROI का, बट एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो बेटर यही होता है कि जिस टेनेंट में, जिस प्रॉपर्टी में, जिस प्री एंट्री प्रॉपर्टी में लीज साइन हो चुकी हो, उस प्रॉपर्टी में आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। LOI पे भी हमने कुछ डील्स करवाई है, ऐसा नहीं है कि डील्स नहीं होती या हम ऑप्शंस नहीं देते हैं। ऑब्वियसली ऑप्शंस देते हैं, लेकिन वहाँ पे हम ये श्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टर है हमारा, जिसकी हम प्रॉपर्टी आगे ऑफ़र कर रही है, अगर वर्स्ट के सिनेरियो में, वैसे बहुत कम ऐसा हुआ है लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो इन्वेस्टर जो है आपके पैसे वापस करता है। और दूसरा केस ये रहता है कि जो टेनेंट आपका आ गया है तो उसी लेवल का टेनेंट सेम कंडीशंस के साथ वो आपको देता है, और तब तक जो बीच का गैप है उसमें वो आपको लगातार रेंटल देता है या नहीं देता है। इसके लिए आपको एक ऐसे कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको प्री रेंटेड के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं प्री रेंटेड के अंदर उनके साथ उसके अच्छे रिलेशंस हो, क्योंकि रियल स्टेट एट द एंड ऑफ द डे रिलेशन की ही गेम है। ऑल दो यू गो थ्रू लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट अगर रिलेशन भी है तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्राइस में और अच्छी नेगोशिएशन में हेल्प आउट करते हैं। दूसरी बात करते हैं चेक पॉइंट्स की। तो ऑब्वियसली जब भी आप प्रॉपर्टीज़ में बैठते हो, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में बैठते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो सारे ही चेक करने चाहिए। BB आपको चेक करना चाहिए, रजिस्ट्री चेक करनी चाहिए, रजिस्ट्री की चेन आपको चेक करनी चाहिए, और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप जाइए किसी भी मीटिंग में बैठिए, 50,000 का 1 लाख रुपये का टोकन दीजिए जो कि आपका रिफंडेबल होता है, आप डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। अगर आप अपने वकील से उसको वेरीफाई करना चाहते हो, 2-4 हज़ार रुपये दे के आप अपने वकील से उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा दीजिए, क्योंकि जब आप 4 से 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, मैं बोलूँ 50 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 4-5 हज़ार दे के अगर आपकी वेरीफिकेशन हो जाती है तो उससे बेटर आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए वेरीफिकेशन का, तो सबसे अच्छा तरीका है आप उस प्रॉपर्टी पे एक छोटा सा लोन ले लीजिए, क्योंकि बैंक जब भी आपको लोन देगा किसी प्रॉपर्टी पे तो वो एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। अगर वो लोन देगा तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। और अच्छी बात क्या है कि प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि वो एक रेंटल जनरेटिंग एसेट है आपकी और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, तो आपको इजीली उस पर लोन मिल जाता है। कंपेयर टू ओरिजिनल बुकिंग में जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाते हो तो आपका जो रिटर्न होता है, जो आपको इंटरेस्ट रेट देना होता है, वो भी आपका कम रहता है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स में जो मैंने आपको बेनिफिट बताया था वो ये था कि आप जो भी रेंटल लेते हो उसका 30% आप एज ए प्रॉपर्टी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स के अंदर। इसके अलावा भी और बेनिफिट्स हैं जो कि आप अपने CA से डेफिनेटली उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि जब भी आप प्री रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदते हो तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया और चीज़ें हो गई, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन। बिल्डिंग की लोकेशन आपकी कैसी है वो आपको बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपके बिल्डिंग की लोकेशन, प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है तो टेनेंट तो आपका 3 साल बाद 5 साल बाद चला जाएगा, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी तुरंत चढ़ जाती है। हमारे साथ हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज दिलाई थी गोल्फ कोर्स रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे, उसमें से बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ खाली होने से पहले ही नोटिस पीरियड में ही हमने रेंट आउट कर दी, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी है जो पिछले 6-8 महीने से खाली पड़ी हुई है लेकिन अभी तक नहीं चढ़ी, लेकिन ऑब्वियसली उस पर हम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क पड़ता है अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे है और आपने ज़्यादा ROI की दिमाग नहीं लगाया। लेकिन होता क्या है, कई बार होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं अभी ROI ले लो, 8% की ROI ले लो, हम 6% या 6.5% की ROI क्यों लें? उसका रीज़न ये होता है आपको ROI वो क्यों लेनी चाहिए, अगर वो बिल्डिंग अच्छी है, टेनेंट अच्छा है, तो चांसेस ये भी रहते हैं कि अगर वो 3 साल का 4 साल का लॉक इन दे के आपको बैठा है तो चांसेस ये भी है अगर अच्छा टेनेंट है तो वो
आगे फर्दर आपकी 3 साल की लीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, और अगर नहीं करता है तो अगर आपकी अच्छी बिल्डिंग है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी तुरंत लीज आउट हो जाती है। आप वैसे ही उसको लगा दो, आपकी एक प्रॉपर्टी 6 महीने खाली रह गई, आपने 8% की ROI ली, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो तुरंत चढ़ गई लेकिन आपने ROI 6-6.5% की ले ली, तो आप अगर आप उसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपकी ROI बराबर हो जाएगी, और 2-3 महीने बाद फिर जो आपने 6% वाली प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी ROI एक्सीड कर जाएगी। तो प्रॉपर्टी की लोकेशन बड़ी मैटर करती है, और उसके साथ साथ आपकी टेनेंट की क्या प्रोफाइल है, टेनेंट का बैकग्राउंड कैसा है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, वो भी डेफिनेटली मैटर करता है। और इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम जो प्रॉपर्टीज़ आपको देंगे, जो भी प्री रेंटेड ऑप्शंस आपको देंगे, हमारे इन्वेस्टर की जो भी चीज़ें होती है उसमें 90% चांसेस ये रहते हैं कि वो इन्वेस्टर हमेशा टेनेंट से 2-3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूछते हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है उससे पहले वो प्रॉपर्टी हमारा इन्वेस्टर ओन करता है और उनका उसमें बहुत कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होता है। कम से कम अगर आप 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट की बात करता हूँ एक्सटेंशन रोड पे, तो इसका मतलब है कि उस इन्वेस्टर का उसमें 6-7 करोड़ का कैपिटल इन्वॉल्व है। तो वो श्योर करता है कि जिस टेनेंट को वो प्रॉपर्टी दे रहा है उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत साउंड हो और वो आगे 4-5 साल तक रेंट देने लायक है। तो जो भी टेनेंट या जो भी प्रॉपर्टीज़ हम आपको दिखाएंगे उसमें टेनेंट वेरीफाइड होता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेक की हुई होती है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जो आप किसी भी प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने से पहले चेक कर सकते हो। तो इट वॉज ऑल अबाउट प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ दैट वी हैव इन गुड़गांव। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में बताना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इट इज़ बेटर के जो हमारे नंबर्स है स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, आप उस पर हमें कॉल कीजिए, एक बार मिलते हैं, आप हमें अपना बजट बताइए, अकॉर्डिंगली हम आपको एक्सेल शीट भेजेंगे। आप ऑफिस बेस में जाना चाहो चाहे रिटेल में जाना चाहो, अकॉर्डिंगली हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट प्री रेंटेड प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।